नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, जो आप सभी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत प्यार और आभार। देखिए, कुकिंग जो है, जो खाना बनाना है, ये सबसे अच्छी एक कला है और ये सबसे महंगी कला है, क्योंकि आप बेसिक सारे काम कर सकते हो लेकिन किसी के मन को जीतना, किसी के दिल को जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए, आज कुछ ऐसे ही दिल जीतने वाली एक रेसिपी है जिसका नाम है आलू नज़ाकत, तो आप लोगों के बीच में साझा करता हूँ। अगर आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। इससे मुझे अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि कितने लोगों ने देखा और कहाँ कहाँ से देखा और कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपने आलू लेना है, और आलू ऐसा आलू लेना है जो एक साइज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा, ऐसा नहीं, एक साइज़ का बड़ा आलू, क्योंकि इसको हमें बीच में होल करना है। तो सबसे पहले एक आलू लेना है, तीन आलू लेने हैं एक पोर्शन के हिसाब से, और उसे अच्छे से क्लीन कर लेना है बहुत अच्छे से। उसके बाद इसे एक बाउल में उठा के रख लेना है, जिसमें हमें एक चीज़ सबसे जो ख़ास बात है, इसके जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि आलू कुछ मोटा है या उसे लेबल पे लाना है, तो आप उसे इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। उसके बाद आपने आलू को इस जगह से थोड़ा सा कट करके अपने पिलर से या किसी भी चीज़ से, जिससे भी होल कर सको, उसे आसानी से आराम आराम से आपने होल करना है आलू के अंदर। और एक चीज़ सबसे ख़ास बात जो है, गादी से आपने सपोर्ट करना है, जहाँ जितना धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें होल होता जाए वैसे वैसे आपने इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना है, ताकि कहीं से भी ये फटने ना पाए, टूटने ना पाए। इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देना है, और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपने पूरे आलू को क्लीन कर लेना है, और क्लीन करके अंदर से अच्छे से साफ कर लेना है। और एक चीज़ जो सबसे ख़ास बात है, आपने इसको जब होल करना है तो अंदर तक एक साइज़ के हिसाब से होल करना है, ना ऐसा भी देखना है कि कहीं पतला ना हो जाए, कहीं मोटा ना हो जाए। और जहाँ पर मोटा हो रहा है, आपने लग रहा है, क्योंकि आपको फ्राई करना है और आपको लग रहा है कि इसे फ्राई करने में यहाँ पे जल्दी पक जाएगा, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं इसमें जहाँ पर आपका हल्का आलू हो जाता है, आप होल करते टाइम ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हल्का हो जाता है और फिर वो जल्दी पक जाता है और दूसरे का कच्चा रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बाद में ऐसे कंप्लीट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो ये हम इसको छील रहे हैं, ऊपर का जो आलू का कवर हटा रहे हैं बार बार, इसे हमें क्या करना है, आखिरी में हमें इसे फ्राई करना रहेगा, हम इसे फ्राई करेंगे। और आपने वीडियो पूरा देखना है, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, कहीं पर छूट गया, तो फिर आप ये कहेंगे शेफ़ आपने बताया नहीं। तो शेफ़ ने आपको सब कुछ बताया, बस आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जल्दी के चक्कर में वीडियो को बढ़ा दिया फटाफट, और इसलिए आप पूरी तरीके से देख नहीं पाए। तो आलू के सभी तीनों आलूओं को हमने अच्छे से पिलर कर लिया है और उसको उसमें छेद कर लिया, अच्छे से होल कर लिया है और पूरी तरीके से क्लीन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे धुल लेना है, सारे आलूओं को धुलना है अच्छे से। धुलने के बाद हमने क्या करना है, फ्राई करना है इस तरीके से। अभी आलूओं को अच्छे से धुल लेना है, फिर हमें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने सबसे पहले जो ध्यान देना है कि कम स्लो आंच में, बिल्कुल स्लो आंच में आपने आलू को डालना है, और जितना स्लो स्लो में आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छे से अंदर तक प्रॉपर पकेगा आलू। और इस तरीके से जो आलू इसमें थोड़ा मोटा रह गया आपने उसको हटा देना है, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वो बेस नहीं मिलेगा जो फ्राई में होना चाहिए। तो तब तक हमारा आलू फ्राई हो रहा है, हमें इसमें के इस शफिंग का जो मसाला है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने इसमें लेना है खोया, खोया आपने लेना है समथिंग 20 ग्राम के आसपास, या 10 से 15 ग्राम बहुत है, 10 से 15 ग्राम के आसपास आपने खोया लेना है। उसके बाद इसमें आपने काजू डालना है, तो काजू के लिए काजू साबुत नहीं डालना है, सबसे पहले आपने काजू को इस तरीके से निकालना है और बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है। अच्छा, काजू आपने मार्केट में जो काजू आते हैं वो दो तीन टाइप के आते हैं, तो कई कई होटल्स में क्या होता है कि ग्रेवी वगैरह बनाने के लिए सस्ते काजू ले आए जाते हैं, इसलिए ताकि कम लगे, कम खर्चा आए,
लेकिन आपने जो स्टफिंग करनी है उसमें अच्छे से ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपने वो काजू बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दो टुकड़े वाला हो या तो वन पीस का ही हो, क्योंकि आपको इसको अंदर स्टफिंग करनी है तो ये फिर स्मेल कर जाएगा। और अगर आप फोर पीसेस या एट पीसेस ले रहे हैं या सिक्स पीसेस ले रहे हैं तो आप इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से धुल के ही ग्रेवी बनाएं। चलिए कोई नहीं, मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। आपने क्या करना है, काजू को खोए में डाल देना है, उसके बाद एक बार पनीर लेना है और पनीर को इस तरीके से कट कर लेना है और कट करके इसको साइड में कर लेना है। एक बार फिर से ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम साइड में निकाल के रख देंगे, तब तक इसका जो ऑयल है वो छन जाएगा, निकल जाएगा। इसे हम टिशू पेपर के ऊपर रख देते हैं। अब टिशू पेपर इसका धीरे धीरे से ऑयल खींच लेगा। फिर से मसाला बनाते हैं जो स्टफिंग का है। पनीर इतना सा लेना है और इसे अच्छे से इसी में मैश करना रहेगा, लेकिन उसके पहले आपने फ्रूट कॉकटेल लेना है। फ्रूट कॉकटेल इसमें हम स्टफ़ करेंगे, आप कश्मीरी इसमें किशमिश भी स्टफ़ कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट ने किशमिश स्टफ़ करने के लिए मना किया है, तो हमने इसमें फ्रूट कॉकटेल्स आता है उसका जो फ्रूट होता है वो फ्रूट मैंने ले लिया है और हम उसे ही इसमें स्टफ़ करेंगे। बाकी आपको जो इजी लगे, आप चाहें तो अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपने इसमें थोड़ा सा किशमिश भी स्टफ़ करना है और थोड़ा सा चीज़ भी स्टफ़ कर सकते, फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं। चलिए तो अब इसको हमें पनीर को फिर से इसमें पनीर को ग्रेट करना है, तो ग्रेटर लेते हैं और इसके बाद मैश करना सही नहीं लगता, चलिए मैश कर देते हैं क्योंकि ग्रेटर से उतना अच्छा नहीं लगता, बनता नहीं है क्योंकि सारा मसाला एक में ही मैश कर मिलाना है। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, धनिया डालना रहेगा, तो फटाफट पहले मैश कर लीजिए उसके बाद इसमें धनिया ऐड करिए, जो मेरा अपना ओपिनियन है अपने तरीके से जो मैं कर रहा हूँ। इसमें साथ में पुदीना भी जाता है, यह है चीज़। पहले चीज़ को इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा चीज़ होना चाहिए और इतना सा बादाम, मतलब समथिंग 5 ग्राम के आसपास, 10 ग्राम के आसपास बादाम भी होना चाहिए और 5 ग्राम के आसपास इसमें धनिया और ऐसे पुदीना लेना है। पुदीना को एक चीज़ सबसे जो ख़ास बात है वो ध्यान रखना है कि पुदीना को चॉप नहीं करना है, पुदीना को तोड़ के डालना है। अच्छा, चॉप करने में और तोड़ने में फ़र्क है। आप अगर किसी चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए, जैसे कस्तूरी मेथी है, आप कस्तूरी मेथी किसी चीज़ में डालते हैं तो उसे हमेशा रगड़ के डालिए, हमेशा मैश करके डालिए, क्योंकि ऐसे आप कस्तूरी डाल देंगे वो खुशबू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप मैश करके डाल रहे हैं तो एक अलग खुशबू आती है। उसी तरीके से पुदीना ऐसे आप कट करके डालोगे तो वो टेस्ट नहीं आए, वो खुशबू नहीं आएगी, लेकिन अगर आप तोड़ के डालोगे तो एक मज़ेदार खुशबू आती है इसमें। तो इसमें आपने देख लिया है क्या क्या पड़ गया है, पनीर है, खोया है, काजू है, बादाम है, फ्रूट कॉकटेल है, धनिया है, पुदीना है, और अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो पहले तो हरा मिर्चा हमें डाल देना है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा हरा मिर्चा इसलिए क्योंकि ये स्वीट होता है, तो हल्का सा हरा मिर्चा हो जाता है तो स्वीट और स्पाइसी हो जाता है, जो खाने में बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। और इसे आपने बिल्कुल बारीक कर देना है। जो ख़ास बात इसकी ये है कि अगर ये ऐसे इतना बड़ा बड़ा मिर्चा किसी के मुंह में लगेगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए इसे बिल्कुल बारीक करके डालना है, बिल्कुल बारीक, जितना बारीक हो सके उतना बारीक मिर्चा डालना है इसमें, ताकि किसी को प्रॉब्लम हो। नमक स्वाद अनुसार, जैसा भी आपको पसंद हो। ध्यान रखिए पहले आपने चीज़ डाल रखा है तो इसलिए नमक हिसाब से। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक, समथिंग 2 चिटकी के आसपास, 1 चिटकी के आसपास इसमें जाएगा चाट मसाला, और फिर इसमें थोड़ा सा वाइट पेपर जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ 2 चिटकी के आसपास, क्योंकि स्टफिंग मसाला है तो ध्यान देना है। इलायची पाउडर आपका 3 से 4 चिटकी जाएगा, मतलब समथिंग 1/2 से 1/2 से 1/2 इतना सारा आपका इसमें इलायची पाउडर जाएगा। उसका फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जितना अच्छे से आप मिक्स कर सके उतना अच्छे से। और उसके बाद हमें इसको स्टफिंग करनी है। स्टफिंग करना एक बार ऐसे चेक करके देख लेते हैं, अगर ऐसे नॉर्मल हो रहा है तो स्टफिंग कर देते हैं। थोड़ा सा चीनी डालनी होती है, सॉरी मैं भूल गया था, थोड़ी सी चीनी और स्टफिंग कर लेते हैं। नहीं, पहले इसमें हमें जो हमने इसके ऊपर के छिकले उतारे थे उसे हमें फ्राई करना है, तो ये हमने पहले फ्राई कर देना है, फ्राई करना है। सॉरी मैं भूल गया था गाइस, आई एम रियली सॉरी।
अब ऐसा नहीं कि कोई मेरे कमेंट में ये कर दे कि शेफ आप भूल गए थे नहीं यार, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद वीडियो छोटा मतलब कट कर करके बनाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बिल्कुल आराम से आप मतलब कम से कम समय में पूरा वीडियो आप देख सकें। अब इस तरीके से इसे बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है, आपने देख रहे हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाना चाहिए। आप अगर आप इसे चाट मसाला मिला करके ऐसे भी खाना चाहें ना, तो एक नंबर का मज़ा आता है। उसके बाद आपने इसे बिल्कुल बिल्कुल ब्राउन बिल्कुल गोल्डन कलर का कर लेना, बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है, और उसके बाद इसमें अच्छे से मिला देना है। अब इसमें जब अच्छे से मिल जाएगा, फिर आपका जो पहला काम है वो ये होता है कि आप इसे सबसे पहले स्टफ़ करें। स्टफ़ फटाफट करना है, क्योंकि आपका, और एक चीज़ ये है कि आपका आलू जो है वो पूरी तरीके से ठंडा हुआ होना चाहिए, क्योंकि गर्म होगा तो मसाला नहीं चिपकेगा, और फिर आप कहेंगे शेफ़ आपने बताया नहीं। तो शेफ़ ने आपको सब कुछ बताया, बस आपने पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप कहीं कहीं पर मिस कर गए। तो फिर जब आप गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो गेस्ट कंप्लेन कर देगा। तो इससे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आपने स्टफिंग पहले से कर लेनी है। अच्छा, आप मेरे हाथ को भी साथ में देखते रहिए कि मैं किस तरीके से दोनों हाथों को सपोर्ट दे रहा हूँ। आप मेरी मुट्ठी देखिए, जिस तरीके से मैंने आलू पकड़ रखा है उसको दोनों तरफ से सपोर्ट है, चारों तरफ से। अब मैं स्टफिंग कर रहा हूँ लेकिन वो किसी तरीके से फटेगा नहीं, इसलिए पूरी गदोरी का, उसमें पूरी गादी का, पूरे हाथ का सपोर्ट करना है, ताकि वो फटने ना पाए। और ये सारे के सारे हो गए हैं स्टफ़, और स्टफिंग ऐसे करनी है कि आराम से स्टफिंग भी हो जाए और प्रॉब्लम भी ना हो। अब चलिए मसाला बनाते हैं, क्योंकि हमें इसके ऊपर मसाले भी लगाने हैं, सिर्फ स्टफिंग से काम नहीं होता है। तो सबसे पहले आपने लेना है इसमें हैंग कर्ड। हैंग कर्ड मैंने रात को हैंग किया था, सुबह उठा लिया है। और 2 चम्मच इसमें जाएगा सरसों का तेल, क्योंकि तंदूर का जो बेस है वो सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। और 1/2 चम्मच इसमें जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट, जिसमें 1 मिर्चा पड़ा हुआ है स्पाइसी के लिए। और इसमें अब जाएगा, देखिए सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए, पूरा ये वीडियो सही से देखिएगा। काला नमक 1/2 से 1/2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, जैसा आपको पसंद हो। और उसके बाद देगी मिर्च, देगी मिर्च स्पाइसी नहीं होती है, देगी मिर्च सिर्फ इसलिए होती है ताकि हमें कलर मिल सके। थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा, और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और उसके बाद थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। देखिए कलर रेड कलर का होता है, तो कलर नहीं यूज़ करना है आपने, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में कलर बैन है। कलर ना यूज़ करें, कलर बॉडी के लिए बहुत नुकसान देता है, और गेस्ट की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, क्योंकि वो आप पे विश्वास करता है तभी वो आपके पास आता है। और 2 चम्मच सबसे लास्ट में फिर से ऑयल डालना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको जो सबसे बेहतर बता रहा हूँ वो ये है कि आप हमेशा जब भी काम करें तो दिमाग में आपकी ये होना चाहिए, कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो इतनी फेमस हो जाए आपकी कि लोग दूर दूर से उसको खाने के लिए आएँ, सिर्फ उस चीज़ को खाने के लिए आएँ। तो कुछ ऐसा ज़रूर किया करिए अपनी लाइफ में, कुछ कुछ नया ज़रूर करिए, प्लीज़ गाइस, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ नया ज़रूर करिए लाइफ में। तो इसके बाद हमें इसको अच्छे से इस तरीके से एक एक आलू लेकर के उसे एक एक आलू इसमें मिलाना है, मसाले को अच्छे से चिपकाना है, क्योंकि आप एक साथ में सारे आलू ना डालें। सारे आलू एक साथ में डालेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, वो टूटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और हाथ को ना पूरी तरीके से क्लीन रखना है, क्योंकि कहीं अब कुछ लोग ऐसे ऐसे कुकिंग करते हैं कि बहुत गंदा सा लगता है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सरिया लेनी है, पतली सरिया, और सरिया पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जो सरिया की नोक है वो बहुत पतली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मोटी होगी तो आप उसको सीख में डालेंगे तो वो फट जाएगी। तो आपने फटाफट क्या करना है, 3 के 3 आलू इसमें लगा देने हैं इस तरीके से। आप देख रहे हैं ना, सबसे इसमें फंसाने की भी कुछ कलाएं होती हैं। आपकी जो सरिया है वो बीचों बीच निकलनी चाहिए, और दोनों हाथों का सपोर्ट होना चाहिए, प्रॉपर सरिया वहाँ तक जानी चाहिए। और उसके बाद इसमें सारे मसाले को फिर से ऊपर से अच्छे से लगा देना है, क्योंकि टेस्ट तो मसाले का होता है जानी, और अगर मसाला नहीं लगेगा तो फिर वही होगा ना, ए मैंने तो तुम्हें सब कुछ बताया था ऐसा नहीं है, आपने पूरे मसाले को अच्छे से मिला देना है, और अच्छे से मसाले को ऊपर से चिपका देना है, और उसके बाद इसे डालना है
एक सपोर्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये खिसकेगा, इसलिए हल्का सा नीचे प्याज लगा करके इसे डाल देते हैं। यह तंदूर, तंदूर का टेम्परेचर समथिंग मेरे हिसाब से होगा 130-140 समथिंग 150। और इसके साथ में एक मज़ेदार चीज़ जाती है जिसको बोलते हैं मसाला प्याज। भाई मेरे मुंह में पानी आ जाता है इस प्याज का नाम सुनते ही। तो आपने प्याज को छील लेना है, उसे साफ़ कर लेना है, साफ़ करने के बाद धुल के उसके बाद उसमें ना लच्छे काट करके इस तरीके से लच्छे को डालना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ देना है। नींबू के बाद आपने इसमें क्या करना है, नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए, थोड़ा सा इसमें काला नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। ये मज़ेदार प्याज होता है, मुझे बहुत पसंद है। और थोड़ी सी देगी मिर्च, देगी मिर्च मैंने बताया ना स्पाइसी नहीं होती पर कलर बहुत प्यारा देती है। और जैसे कि आप जान चुके हैं कि अगर आप तंदूरी आलू दे रहे हैं या तंदूरी चिकन दे रहे हैं या चिकन टिक्का दे रहे हैं या रेड मसाले से जो भी दे रहे हैं उसमें आपका जो प्याज जाता है वो रेड कलर का जाता है और इसको हम बोलते हैं मसाला प्याज। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा इसमें बटर मैंने डाला, हल्का सा, एक बिल्कुल थोड़ा सा, और यह प्याज बनके रेडी हो गया। अब हमने करना है गार्निश। भाई गार्निश क्या होता है, आज गार्निश के बारे में बता देता हूँ। गार्निश जो होती है, इंसान आधा खाना पेट भरने के लिए खाता है और आधा मन को भरने के लिए। तो दोनों चीज़ें जो गेस्ट जो शेफ़ होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि इस गेस्ट को पूरी तरीके से सेटिस्फाइड करके भेजे, क्योंकि खाना अपने लिए सभी बनाते हैं लेकिन जो सबके दिल को खाना पसंद आए वो सिर्फ़ और सिर्फ शेफ़ बनाता है। तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जो सभी के दिल को पसंद आता है, सभी के दिल को। और तंदूरी आलू या आलू नज़ाकत सब में रेड मसाला यूज़ होता है, सबका मास्टर्ड बेस है, तंदूर का जो बेस है वो मास्टर्ड ऑयल है। तो हमारा तंदूरी नज़ाकत मतलब आलू नज़ाकत बन के रेडी हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल ऐसे साइड से रखना है और थोड़ा सा साइड पहले हम इसलिए कट करेंगे बिल्कुल किनारा साइड से। अब देख रहे हैं ना कितना प्यारा कलर है और कितनी प्यारी स्टफिंग है देखिए। और ये किनारा जो है ये अच्छे से मैंने पिलर नहीं किया था, नहीं तो होल हो जाता, इसलिए हमें इसे बिल्कुल अलग कर देना है, ठीक है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि इसे बिल्कुल अलग कर देना है, नहीं तो गेस्ट खाएगा और कंप्लेन कर देगा, फिर आप कहेंगे शेफ़ आपने बताया नहीं था। मैं फिर से कहूँगा शेफ़ ने तो सब कुछ बताया था। तो चलिए हम देते हैं 8 पीस, बाकी आप जितने भी पीसेस देते हैं उस पीस के हिसाब से आपको आलू पहले से तैयार करना है, सेटअप पहले से रेडी करना है। और क्या बताऊँ, फिर से वही कहूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और क्या क्या बोल दूँ यार। पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने जो इतना सारा प्यार दिया। मेरे इंस्टाग्राम पे 71,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, मेरा वॉच टाइम 10.5 मिलियन है। तो इसके लिए आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। यूट्यूब पे भी मेरे 2300 सब्सक्राइबर हो गए हैं और बस इसका वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप सभी लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब मैं इसमें भी सक्सेस हो जाऊँगा। तो देखिए हम लोग भी शेफ़ हैं, हम लोगों का भी एक सपना है, हम लोग भी सक्सेस होना चाहते हैं। कुछ लोग कैसे सक्सेस होते हैं, कुछ लोग कैसे होते हैं, हम लोग कुकिंग करके सक्सेस होते हैं। आप लोगों के दिल को इतना पसंद आते हैं, आप लोगों के दिल के लिए इतना, मन के लिए इतना प्यारा खाना बनाते हैं, तो कम से कम इतना तो बनता है। सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, कमेंट भी करना, थैंक यू सो मच।